तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो फ्रेंड, वेलकम आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम जो है सीखने वाले हैं डिपॉजिट और विड्रॉ के बारे में कि क्यूटेक्स में किस तरीके से विड्रॉ करोगे और डिपॉजिट करोगे बाइनेंस की हेल्प से। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये क्यूटेक्स का अकाउंट है। यहाँ पे मेरे लाइव अकाउंट में बैलेंस आप देख सकते हो $73 है। तो मैं अगर इसको विड्रॉ करने चाहूँ तो मैं कैसे विड्रॉ करूंगा, पहले विड्रॉ का प्रोसेस दिखाता हूँ, फिर मैं डिपॉजिट करके भी दिखाऊंगा कंप्लीट पूरा का पूरा प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, सिंपल विड्रॉ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आप अमाउंट वगैरह सेट कर लेना। यहाँ पे बाइनेंस पे का ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ पे अमाउंट सेट कर लेता हूँ $70। मैं क्या करूंगा, $70 सेट कर लिया। सो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमने बाइनेंस अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, हमने अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लिया। अब आपको सिंपल कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करोगे यहाँ पे आपके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर आएगा, यहाँ पर आपके पास ईमेल में कोड आएगा। आप एक बार ईमेल में जाकर के रिफ्रेश करिए, जैसे आप रिफ्रेश करोगे आपको एक यहाँ पे ईमेल मिल जाएगा और वहां से आपको ओटीपी कन्फर्म करना है। ओटीपी आपको सिंपल से डालना है और उसके आधे घंटे के बाद पेमेंट कन्फर्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को लास्ट में पेमेंट कन्फर्म करके भी दिखाऊंगा कि पेमेंट कन्फर्म होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लास्ट वाले को देखेंगे। ये आपका ओटीपी आ चुका है तो इसको जो है मैं यहाँ पे फिल कर लूंगा, कॉपी करूंगा यहाँ से, और मैंने इसको कॉपी करके सिंपल से यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा। और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से कंफर्म करूंगा। जैसे मैंने कंफर्म किया यहाँ पर जो है देख लो, रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो चुका है और यहाँ पर मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो आप देख सकते हो अभी कहाँ पे है, 72। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। जैसे रिफ्रेश करूंगा अमाउंट देखो यहाँ पे $3 बाकी है। अब ये देखो मेरा जो यहाँ पर लग चुका है, यहाँ पे मेरा जो रिक्वेस्ट है वेटिंग में है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो विड्रॉ रिक्वेस्ट है वो अभी वेटिंग में है। जैसे कंफर्म होगा आप लोगों को मैं जो है वहां पे कंफर्म कर दूंगा, आपको ईमेल भी शो कर दूंगा कि ईमेल जब आता है विड्रॉ के बाद तो वो भी शो कर दूंगा, साथ ही साथ बाइनेंस में अकाउंट को भी शो कर दूंगा कि किस तरीके से बैलेंस आता है। उसके बाद मैं आपको वो भी बता दूंगा कि उस पैसे को कैसे कैश में कन्वर्ट करना है उसको भी। ठीक है, तो वो वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। अभी हम समझते हैं कि डिपॉजिट कैसे करना है। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको बाइनेंस से यहाँ पर क्यूटेक्स पे डिपॉजिट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बाइनेंस में चलेंगे और बाइनेंस में चल करके हम सबसे पहले वहां पे जो है यूएसडीटी के डिपॉजिट करेंगे। तो चलिए अब हम बाइनेंस में चलते हैं अपने और वहां से यूएसडीटी के डिपॉजिट करते हैं। तो चलिए, अगर आपको क्यूटेक्स में बाइनेंस के थ्रू डिपॉजिट करना है तो सबसे पहले आपको जो है बाइनेंस में यूएसडीटी खरीदना होगा, मतलब कि बाइनेंस में पहले डिपॉजिट करना होगा। तो पहले बाइनेंस में डिपॉजिट कैसे करते हैं इस प्रोसेस को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये आपका बाइनेंस अकाउंट है, सिंपल सा आपको ओपन करना है, नीचे वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वॉलेट पे क्लिक करोगे यहाँ पे फंडिंग का एक ऑप्शन आ जाता है, फंडिंग पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप फंडिंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे पी टू पी का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे पी टू पी पे आपने क्लिक किया, अब आपके पास यहाँ पे कुछ आएगा, इसको आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद आप देखिए बाय करना है आपको यूएसडीटी। तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का परचेस करना चाहते हैं वो आपको देखना है, क्योंकि मेरे बाइनेंस अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस है तो मैं बहुत ज्यादा अमाउंट का यहाँ पर यूएसडीटी नहीं खरीदूंगा, मैं सिर्फ बहुत कम ₹2000 का खरीदूंगा। तो जैसे मुझे अपने रेंज का मिलता है मैं यहाँ पर जो है वो खरीद लूंगा। तो 1000 से 2000 रुपए का मुझे खरीदना है तो मैं उसी रेंज का देखूंगा और उसके बाद यहाँ पे खरीद लूंगा। तो देखिए ध्यान से समझना, पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी प्रोसेस मिस नहीं करना है। वीडियो को कंप्लीट अच्छे तरीके से देखिए। क्या करेंगे हम, अपने लिमिट वाला देखेंगे, हमें 1000 से 2000 वाला चाहिए तो हम उसी को एक बार चेक कर लेते हैं जहां पर भी हमें मिलेगा। ये हमारे लिए मिल रहा है यहाँ पे ₹300 से ₹1000 तक का, तो मैं इसको ऐड करता हूँ। और यहाँ पर मैं ₹1000 जो है ऐड करूंगा, ₹1000 मैंने ऐड कर दिया। और बाय विद जीरो फी में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए नीचे पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप मैक पेमेंट पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे एक यूपीआई आईडी आ जाएगा जिसको आपको पेमेंट करना है ₹1000। तो आपको क्या करना है, इस यूपीआई आईडी को जो है कॉपी कर लेना है। इसको हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे यूपीआई आईडी को कॉपी कर रहे हो तो एक चीज ध्यान में रखना, आपको ये नेम भी देखना है, ये नेम एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, है ना। जब आप फोन पे में या यूपीआई में जब आप इसको पेमेंट करोगे तो यही नाम जो है वो शो करना चाहिए, तभी आपको पेमेंट कंफर्म करना है। अदरवाइज मत करना, क्योंकि थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, अदरवाइज वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, ख्याल रखना। तो जब भी आप बाइनेंस में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको जो है यूपीआई में और जो बाइनेंस में अकाउंट है उसमें नाम सेम होना चाहिए, दूसरा दूसरा अकाउंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अब हम आ चुके अपने फोन पे में और यहाँ पर सिंपल सा उनको ₹1000 का हम पेमेंट कंफर्म करेंगे और हमारे अकाउंट में बैलेंस एड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो है यूपीआई को कॉपी कर लेना है और यूपीआई को कॉपी करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वेट करना है, वेरीफाई कर लीजिए इसको। यहाँ पर एक बार वेरीफाई करना है, नाम आपको शो करेगा, ये देखिए है ना, जो नाम वहां पे शो किया था वही नाम है। तब आगे सेव करिए और इनको पेमेंट करिए ₹1000। जो भी आपका पेमेंट था उनको पेमेंट करना है आपको सिंपल सा, और स्क्रीनशॉट लेके रखना है। ठीक है, तो पहले हम पेमेंट कर लेते हैं ₹1000 का फटाफट। तो जस्ट वेट, हम इनको जो है ₹1000 का पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो है हमने ₹1000 यहाँ पे टाइप कर लिया। ख्याल रखना अमाउंट
चेक कर लेना एक बार। पेमेंट करने से पहले मैंने 1000 रुपये टाइप कर दिया है और यहाँ पर मैं पे पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी बाइनेंस में बैलेंस है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा अमाउंट ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, 1000 रुपये का सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1000 रुपये का पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस कर दिया है। पेमेंट जैसे सक्सेसफुल होगा आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे देखिए, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करिए आप यहाँ पे, और ये जो होगा इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ट्रांजेक्शन डिटेल में और इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल चलना है अपने बाइनेंस में मिनिमाइज करके। तो हम चलेंगे बाइनेंस में, ओके बाइनेंस में चलिए। अब मिनिमाइज करके सिंपल सा यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर को क्लिक करना है आपको। जैसे आपने नोटिफाई किया, अब आपको वेट करना है, सामने वाला जो पर्सन है ना वो आपको पेमेंट जो है वो कन्फर्म करेगा। यहाँ पर हमने पेमेंट कन्फर्म कर दिया है, ओके तो यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है और मैं यहाँ पे एक मैसेज डालता हूँ, पेमेंट डन प्लीज रिलीज माई फंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया, ये देखिए मेरा जो अमाउंट है वो एड हो चुका है। यहाँ पे $11 मैंने परचेस कर लिया। डन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको इसको छोड़ करके यहाँ से क्रॉस करके पीछे आ जाना है। जैसे आप पीछे आओगे, फंडिंग वॉलेट में आपके पास बैलेंस होगा, यहाँ पे आप इसको फिर से पीछे लेके आइए और इसी तरीके से आपको पीछे जाना है फंडिंग वॉलेट पे, ठीक है। तो ये आपका कंफर्म हो चुका है, ओटीपी भी आ चुका है आपका कि यस आपका जो ट्रांजेक्शन था वो कंफर्म हो चुका है, 1000 रुपीज का यूएसडीटी आपने खरीद लिया है। बट एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब आप यूएसडीटी खरीदते हो तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि आपके जो बाइनेंस है यहाँ पे आपको 89 रुपीज पड़ता है, जैसा कि अभी आपने देखा, और जो आपका क्यूटेक्स है वहां पर आपको 82 रुपीज पड़ता है। तो बहुत ज्यादा प्राइस में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, इस चीज को ख्याल रखना। 3 से 4 रुपए 5 रुपए का डायरेक्टली आपको जो है वो लॉस होता है जब आप यहाँ पे डायरेक्टली करते हो। तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ अपने बाइनेंस को और फिर मैं अपना बैलेंस आपको दिखाता हूँ, जो $11 मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया था। फंडिंग वॉलेट पे आ जाता हूँ और अब आप यहाँ देख लीजिए, $11 जो मैंने खरीदा था वो यहाँ पर एड हो चुका है। ट्रांसफर पे क्लिक करिए। जैसे आप ट्रांसफर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको यूएसडीटी सेलेक्ट करना है और यूएसडीटी आपने सेलेक्ट किया, मैक्सिमम पे क्लिक किया और आपने स्पॉट वॉलेट में आपने ट्रांजेक्शन कर दिया। तो ये देखिए, स्पॉट वॉलेट में मेरा जो बैलेंस है वो एड हो चुका है। पहले से मेरे पास कुछ बैलेंस था और $51 हो चुका है। इसमें डिपोजिट कैसे किए आपको समझ में आ गया। अब इस बाइनेंस के अमाउंट को क्यूटेक्स पे कैसे डिपोजिट करना है इसको हम समझने वाले हैं, तो चलिए उसको भी हम आगे समझते हैं। तो चलिए, अब हम आ चुके हैं अपने क्यूटेक्स के अकाउंट में और अब हम ये समझेंगे कि किस तरीके के से बाइनेंस के फंड को क्यूटेक्स पे आपको डिपॉजिट करना है। तो इसके लिए सिंपल से आपको डिपॉजिट वाले सेक्शन में क्लिक करना है। तो जैसे आपने डिपॉजिट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा बाइनेंस पे का, बाइनेंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने बाइनेंस पे क्लिक किया, आपको यहाँ पर अमाउंट टाइप करना है। मैंने यहाँ पर अमाउंट टाइप कर दिया यहाँ पे $20, $25। अब $25 मैंने एड करने के बाद यहाँ पे नीचे सिंपल सा डिपॉजिट पे क्लिक किया। जैसे मैंने डिपॉजिट पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास QR कोड आएगा, इसको मैं सिंपल सा स्कैन करूंगा। तो जस्ट वेट, यहाँ पे QR कोड आने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लेगा और QR कोड मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर QR कोड विजिबल होगा, अब यहाँ पर जो है मैं सिंपल सा ऊपर स्क्रीन पे क्लिक करोगे, आपके पास QR कोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप सिंपल सा QR कोड को ये देखो स्कैन कर लो आप यहाँ से। जैसे स्कैन करोगे, $25 का यहाँ पर अमाउंट एड करने के लिए आ जाएगा। $25 ये देखो कन्फर्म करना है और सिंपल सा पासवर्ड डालना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पासवर्ड आपको जो है डाल देना है। तो ये आपने डाल दिया, पासवर्ड कन्फर्म कर दिया आपने। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर मेरा पेमेंट जो है यहाँ से कंफर्म हो चुका है और यहाँ पर डिपॉजिट जो है कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए, डिपॉजिट यहाँ पे $28 हो चुका है, $3 पहले था और $25 मैंने डिपॉजिट किया था, तो सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पर। बस यहाँ पे आपका सक्सेसफुल हो चुका। अब हम क्या करेंगे, वेट करते हैं जो आपका विड्रॉ का प्रोसेस है उसको, जैसे आएगा उस वीडियो को भी यहीं पे अटैच कर दूंगा, जिससे कि आपको एक कंप्लीट वीडियो में डिपॉजिट और विड्रॉ का पूरा प्रोसेस मिल जाए। तो मैं वेट करूंगा, जैसे ही विड्रॉ कंप्लीट होगा उसको भी मैं यहाँ पे अटैच करूंगा। सो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने क्यूटेक्स पे विड्रॉ किया था वो ऑलमोस्ट 30 मिनट में कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए मेरे पास ईमेल आ चुका है। अभी कुछ समय पहले ही मुझे ईमेल यहाँ पर मिला हुआ है, तो एक बार मैं आपको ईमेल कंफर्म करवा देता हूँ, फिर मैं अपने बाइनेंस में चलूंगा। तो देखिए यहाँ पे 4:14 में मुझे मिला था, यहाँ पर मैं वीडियो एडिट ही कर रहा था इसीलिए मैं नहीं देख पाया था। तो यहाँ देख लीजिए $70 मुझे कंफर्म हो चुका है विड्रॉ करना। अब यहाँ पर रिसीव हो चुका है, मैं यहाँ पे अपने बाइनेंस पे चला जाता हूँ और यहाँ पर आपको अकाउंट बैलेंस शो कर देता हूँ कि यस विड्रॉ हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर वॉलेट में आ जाते हैं, और वॉलेट में आके फंडिंग पे हम आ जाते हैं। तो जैसे आप फंडिंग पे आओगे, आप यहाँ पे देखोगे आपके पास, ये देखो $70 आपके पास आ चुका है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये जो $70 है, ये आपका जो विड्रॉ हुआ था क्यूटेक्स पे, वही $70 आपको यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये सिंपल सी चीज है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी ट्रांजेक्शन, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपको अब पता चल गया। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको यूपीआई का भी एक वीडियो मिलेगा इसी तरीके से, तो होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आया होगा और ये वीडियो। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।